हेलो गाइस एंड वेलकम टू अमेजिंग फैक्टोपीडिया। गाइस इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कुछ बहुत ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नंबर 4 गाइस, ये है थंजावुर में लोकेटेड बृहदीश्वर टेंपल। गाइस इस टेंपल में 100 से ज़्यादा अंडरग्राउंड पैसेजेस है जो वेरियस स्पॉट्स पर खुलते हैं, और ये सारे के सारे सील किए गए हैं क्योंकि इनका मैप अननोन है, ये किसी भी डेंजरस जगह पर खुल सकते हैं। इसके बारे में जो दूसरी सबसे रहस्यमय बात है कि इसके छत पर जो स्टोन है ना, कैपस्टोन, उसका वेट है 80 टन्स और इसे 1000 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था। मतलब 66 मीटर हाई इस मंदिर के ऊपर का स्टोन बिना एलिवेटर्स और बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे लगाया गया होगा। और एक बात कि इस टेंपल में कोई भी बाइंडिंग मटेरियल का यूज़ ही नहीं किया गया, सारे जो स्टोन्स वगैरह है उन्हें बस इंटरलॉक करके ही बनाया गया है इस टेंपल को। ओ माय गॉड। और गाइस ये जो टेंपल है ना, ये पूरी तरह से ग्रेनाइट से ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन थंजावुर के आसपास मीलों दूर तक ग्रेनाइट का कोई भी सोर्स है ही नहीं। और तो और इस टेंपल में जो नंदी की स्टैचू है ना, वो असल में ग्रो करती हैं। जी हाँ, और इसकी ग्रोथ ना हो इसीलिए वहाँ पर एक कपड़ा तक बांधा गया है। नंबर 3 गाइस, इस इमेज को देखकर आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई इस बुलेट को हार वगैरह क्यों पहनाया है और इसकी पूजा क्यों कर रहा है, क्योंकि असल में ये एक टेंपल है। जी हाँ, इस टेंपल का नाम है ओम बन्ना टेंपल और इसे बुलेट बाबा टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ही दूरी पर लोकेटेड है। असल में उस गांव में एक आदमी रहते थे जिनका नाम था ओम सिंह राठौर, और उनकी एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनकी ये जो यही बुलेट बाइक एक पेड़ से जाकर टकराई थी और उनकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। अगले दिन पुलिस ने इस बाइक को पुलिस स्टेशन में रखा और उसके अगले दिन ये बाइक गायब हुई। जब तलाशी ली तो पता चला कि यह बाइक वापस उसी स्पॉट पर जाकर खड़ी हो गई थी, और यहीं पर यह चीज़ रुकी नहीं। उस दिन पुलिस ने इसका सारा इस बाइक में का पेट्रोल निकाला और इसे चैन से बांध कर रख दिया, लेकिन वापस से अगले दिन यह बाइक उसी स्पॉट पर जाकर खड़ी हो गई थी। और फिर लोग इस चमत्कार से प्रभावित होकर वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बना दिया, और लोग अभी उस मंदिर में प्रार्थना मांगते हैं अपनी सेफ ड्राइविंग के लिए। अमेजिंग। गाइस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरे नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 2 गाइस, ये मिस्ट्रीज है जगन्नाथ टेंपल के बारे में जो उड़ीसा में लोकेटेड है। गाइस इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है ना, कि इस टेंपल के जो मेन डोम है उसके दिन के किसी भी समय में शैडो ही नहीं आती। जी हाँ, इसकी किसी भी समय दिन के शैडो आती ही नहीं है। इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई भी प्लेन या पंछी नहीं उड़ के जाता। मतलब कभी भी कोई भी प्लेन या पंछी नहीं उड़ जाता इस मंदिर के ऊपर। और तो और इसके ऊपर का जो फ्लैग है वो इस जिस तरफ हवा होती है उसके अपोजिट साइड को लहराता है। और गाइस इस मंदिर में एक ऐसी रिचुअल है कि यहाँ के जो पुजारी है उन्हें हर रोज इस मंदिर के जो टॉप में जो फ्लैग लगा है उसे चेंज करना पड़ता है, वरना मंदिर 18 साल तक बंद रखना पड़ेगा। और इस मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है ना, वो हाइट में 20 फीट तक है और उसका जो वेट है वो 1 टन के आसपास है,
और ख़ास बात ये है कि ये पूरी सिटी के किसी भी कोने से आपको दिख जाएगा। मतलब उस ज़माने में भी कितना डेवलप था उनका इंजीनियरिंग। और जब इस टेंपल के अंदर आप जाओगे ना, तब भले ही सी शोर आपके बाजू में है, समुंदर टेंपल के बाजू में ही है, लेकिन फिर भी समुंदर के वेव्स की आवाज़ें नहीं आएगी। जी हाँ, सही सुना आपने गाइस। और एक ख़ास बात ये है कि दिन में ज़मीन से समुंदर की तरफ हवाएं चलती है और रात में समुंदर से ज़मीन की तरफ आती है, जबकि दुनिया में इस जगह के अलावा और कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ की जो कुकिंग स्टाइल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है। यहाँ पर एक के ऊपर एक सात मटके रख दिए जाते हैं और सबसे ऊपर वाला जो मटका होता है वो सबसे जल्दी कुक हो जाता है, और जो फ्लेम के सबसे पास जो मटका होता है ना, वो सबसे लास्ट में पकता है। और दोस्तों, यहाँ पर ना कभी भी खाने की वेस्टेज ही नहीं होती। मतलब कभी भी जो खाना बना है वो वेस्ट होता ही नहीं है। नंबर वन दोस्तों, ये मिस्ट्री है पद्मनाभ स्वामी टेंपल की। ये टेंपल इंडिया का रिचेस्ट टेंपल भी है। इस टेंपल के अंदर जो खजाना है उसकी जो वैल्यू है वो है $22 बिलियन। और तो और, इस टेंपल में 6 वॉल्ट्स है, उसमें के 5 ही खोले गए हैं। जो वॉल्ट भी है वो अब तक नहीं खोला गया है। ऐसा माना जाता है कि उसके दरवाजे पर बने सांपों के जो दो निशान है वो खतरे का निशान है, और ऐसा मानते हैं कि अगर उसको खोला गया तो प्रलय आ जाएगी और वो सिटी फ्लडेड हो जाएगी। और इस दरवाजे को 1880 से अब तक कभी भी नहीं खोला गया है। और इस दरवाजे में कोई चाबी डालने का कोई जगह ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मानते हैं कि इस दरवाजे को कोई पवित्र आदमी ही खोल सकता है किसी मंत्र का जाप करके, और इसे खोलने के बाद उस आदमी की मौत भी हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कुछ बड़े पवित्र संत लोग परशुराम जी के पास आए थे और उन्होंने उनसे कहा कि हमें भगवान की प्रार्थना के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर भगवान परशुराम ने उस तहखाने को बनाया, और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो लोग उसी तहखाने में प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कई साल पहले अकाल के वक्त कुछ लोगों ने इस दरवाजे को खोलने का निर्णय किया था, लेकिन जब उन्होंने अंदर की आवाज़ें सुनी तो वहाँ पर पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। फिर उन लोगों ने डर कर उस दरवाजे को खोलने का निर्णय रद्द कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों में सच्चाई कौन सी है, ये तो कोई भी नहीं जानता।